नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आईटी प्रोफेशनल अशोक प्रसाद अभिषेक जी से। ये काफ़ी चर्चित हैं और जल्द ही इनका एक प्रोडक्शन हाउस के जरिए यहाँ पे बॉलीवुड में पदार्पण कर रहे हैं, एक मूवी भी बना रहे हैं अभिनेता से राजनेता, उसका भी यहाँ पे मुहूर्त हुआ है। हम पहले बात करेंगे सर को, ह्यूमन राइट की तरफ से एक प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है, सर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? अभी हमको एक ह्यूमन इंटरनेशनल राइट्स एक आईटी बेस्ट आईटी सर्विसेज अवार्ड मिला है, तो हम आए हर एवरी ईयर मिलते रहते हैं, तो वी डिजर्व इट। हमें अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, और ऐसा अवार्ड्स मिलते रहेंगे तो हमें और जोश मिलेगा काम करने में, आईटी के बारे में और स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्सेप्ट लेके आने के लिए खुश होगी। आईटी सेक्टर में कितने समय से आप सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और अचानक आप एंटरटेनमेंट के सेक्टर में कैसे आप टर्न लिए? आईटी इंडस्ट्री में हम 2000 से आईटी इंडस्ट्री पे लास्ट टू डेकेड्स 22 इयर्स हो गए हैं। हम गूगल तब आए ही नहीं थे, याहू भी नहीं आए थे, वर्कुट से हम आईटी में काम कर रहे हैं, तो आईटी के हमारे ह्यूज नॉलेज है। तो इससे पहले हम काफ़ी सारा हॉलीवुड मूवीज़ देखते थे आईटी के बारे में, डाटा ट्रांसफर, सॉफ्टवेयर हैकिंग, ये सब देख के मूवीज़ के थ्रू से हमें बहुत आइडिया मिलते थे आईटी की, क्या आईटी में हो सकता है, क्या आईटी के बारे में हमें अगर इन्फॉर्मेशन मिल सके, तो हम अगर ऐसा ही मूवी क्रिएट करें तो ऑडियंस को आईटी के बारे में अलर्ट अवेयरनेस मिलते रहे, इसीलिए हम मूवी में इंटरेस्टेड है मूवी बनाने में। सर, जिस तरह से इंडिया में आईटी सेक्टर प्रोग्रेस कर रहा है, उसी दौर से आईटी के फ्रॉड जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो आप एक स्पेशलिस्ट हैं इस बारे में, तो क्या एक अवेयरनेस दर्शकों को हमारे बताना चाहेंगे, जो इंडिया के लोग हैं उनको कैसे जागरूक करना चाहेंगे, आने वाले दिनों से कैसे सिक्योर रहें कि आईटी से उनका फ्रॉड ना हो सके, जो ऑनलाइन फ्रॉड आजकल बढ़ गए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज आईटी के बारे में लोगों की जागरूक नहीं है, इसीलिए फ्रॉड होता है। ऑलरेडी फ्रॉड बोल के दुनिया में कुछ नहीं, अगर जागरूक है तो नथिंग लिक्स लाइक दैट फ्रॉड, इसका मार कुछ भी नहीं कर सकते अगर उसके बारे में पता है तो। परमिशन हम खुद ही देते हैं, एक्सेप्ट, वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे बटन्स होते हैं एक्सेप्ट, ये पता होना सही है, हमें कौन सी बटन में क्लिक करना है नहीं करना है, बिना परमिशन में इसका मार के कोई अथॉरिटी नहीं रहते जो अपना डाटा वो ले ले, तो ये सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है। और हम मूवीज़ के थ्रू से जिसमें एंटरटेनमेंट भी रहे, तो ऑडियंस को, सोसाइटी को एंटरटेनमेंट के साथ में आईटी की अवेयरनेस आएगा, तो ये स्कैम वी थिंक हमारी मूवी देखे तो कंटिन्यूसली स्कैम 50-70% ऑलरेडी लेस हो जाएगा। मूवी बनाने जा रहे हैं अभिनेता से राजनेता, इसमें एक सोशल मैसेज भी छुपा हुआ है, कैसे ख्याल आया इस टाइप की मूवी बनाने? एक बायोग्राफी हम काफ़ी स्टडी कर रहे थे, फर्स्ट मूवी कैसे बनाए, क्या बनाए, तो हमारे सुपरस्टार दिनेश लाल निरह जी के बारे में हमने स्टडी किया थे, केसरी जी के बारे में स्टडी किया थे, एंड रवि किशन मनस्थी और यादव पवन सिंह ये लोग के बारे में स्टडी किया, तो वो लोग की डेट थोड़ा डिले मिल रहे थे, दिनेश लाल नेहरा जी की डेट इजीली मिला, तो हमने सोचा इनकी सबसे हार्ट टचिंग स्टोरी हमें ये लगा कि रेगुलर इंसान एस्टेब्लिश्ड कैसा अपने आप को बनाया है, फास्ट उनकी एक्टिंग सिंगिंग में कैसा है, उससे एक्टिंग में कैसा है, एक्टिंग से फिर पॉलिटिक्स में कैसा है, एक कंप्लीट जर्नी, ये सोसाइटी को एक मोटिवेट करने की जर्नी है, ये हमारे हार्ट ट्रस्ट करने की जर्नी है, तो हमने सोचा ये टॉपिक को पता होना चाहिए, एवरीवन शुड नो इट। दर्शकों को ये मूवी कब तक देखना? दर्शकों को नेक्स्ट ईयर जनवरी तक देखने को मिल जाएगी, नेक्स्ट मंथ शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो एडिट पोस्ट प्रोडक्शन इजीली 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, आई मीन ईयर एंड कंप्लीट होने से। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ में थे अशोक प्रसाद अभिषेक जी, जो एक चर्चित आईटी प्रोफेशनल है और हाल ही में इन्हें जो अवार्ड मिला है ह्यूमन राइट्स का, उसको लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। इनकी एक मूवी आ रही है अभिनेता से राजनेता, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा है बॉलीवुड में, हाल ही में उसका ओपनिंग किया गया, इनका प्रोडक्शन हाउस जो है उसकी ओपनिंग की गई, और जल्द ही दर्शकों के बीच ये जो मूवी आने वाली है वो जनवरी तक लाएंगे और उसके माध्यम से समाज को एक नया संदेश देने का काम करेंगे। जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, मुंबई।